नमस्कार किसान वीरो, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मालवा की खेती पर। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में जो गेहूं की फसल के बारे में जानकारी शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो सभी किसान भाई, ये तो जानते ही होंगे कि इस अवस्था में यानी गेहूं में जब हम शुरुआत में बुआई करते हैं तो DAP या 12-32-16 दोनों में से किसी एक उर्वरक का प्रयोग करते हैं आधार खाद के रूप में, ताकि उससे हमें तीनों जो मुख्य वो पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये मिल जाए। लेकिन DAP में यानी 1846 में आपको केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलेगा, पोटास नहीं मिलेगा। तो यदि आपने DAP यूज़ किया है तो आपने पोटास अलग से यूज़ किया होगा, और यदि आपने 12-32-16 यूज़ किया है तो उसमें पोटास की मात्रा आपको फसल को मिल गई होगी। और यदि आपने DAP यूज़ किया है और पोटास का अलग से प्रयोग नहीं किया है तो भी जो अभी इस अवस्था में देख रहे हैं आप, बाली आ गई है फसल के, इस अवस्था में भी यदि आप पोटाश का प्रयोग कर लेते हैं तो आपके फसल में निश्चित रूप से पैदावार में फर्क पड़ेगा। पोटाश एक ऐसा तत्व है जो बीजों में भारीपन और चमक लाता है, क्योंकि पोटास एक ऐसा उर्वरक है मेरे किसान भाइयों, जिसको यदि शुरुआत अवस्था में यूज़ कर लिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि पोटास को अपने जो क्रियाशीलता दिखाने में कम से कम 90 दिन का समय लगता है। क्योंकि इस अवस्था में यदि आप पोटास उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो उसका कोई फायदा आपकी इस फसल को तो नहीं होगा, लेकिन यदि आप इस फसल में पोटास का प्रयोग करना चाहते हैं तो एक सजेशन देना चाहूँगा किसान भाइयों, बाजार में आपको 0050 पोटेशियम आप सल्फेट के नाम से एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर मिलता है, उसका आप स्प्रे कीजिएगा। स्प्रे करने से क्या फायदा होगा कि ये जो स्प्रे की बूंदें पत्तियों पे गिरेगी तो डायरेक्ट जो ये पोटाश की मात्रा है ये हमारी फसल को मिलेगी, क्योंकि यदि हम जड़ में देंगे तो कम से कम उसे 90 दिन का समय चाहिए लगने के लिए, तो हमें डायरेक्ट स्प्रे करना है। स्प्रे 0050 एक जो खाद आता है मैंने आपको जैसा बताया है, आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए और 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ यानी पौने 2 बीघा का एक एकड़ होता है हमारे यहाँ, तो 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका स्प्रे कीजिए। उसमें आपको पोटाश के साथ सल्फर की भी अतिरिक्त मात्रा मिलेगी, जो जो कि हमारी सभी फसलों का चौथा और अनिवार्य आवश्यक पोषक तत्व हैं। तो आपको एक साथ दो फायदे होंगे, तो इससे क्या होगा कि जो आपके जो गेहूं के दाने हैं उनका वजन बढ़ेगा और उनमें चमक आएगी, क्योंकि आप स्प्रे के जरिए दे रहे हैं ये उर्वरक, तो ये तुरंत काम करेगा। क्योंकि जिस प्रकार हमारे शरीर में यदि हमें दर्द होता है और हम यदि कोई गोली लेते हैं तो जब वो गोली घुलेगी और अपना असर दिखाएगी तो कम से कम आधा घंटा तो मान ही लो इतना टाइम लगेगा उसका अपना असर दिखाने में। लेकिन यदि हमें दर्द का इंजेक्शन लगा दिया जाए, क्योंकि ये हमारी नसों में लगा दिया जाता है जो तुरंत हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, तो हमारा दर्द 5 से 10 मिनट में ठीक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जमीन में दिए गए उर्वरक को लगने में फसल में टाइम लगता है और धीरे धीरे फसल बड़ी होती जाती है, तो हर सिंचाई के साथ पोषक तत्व भी जमीन के नीचे चले जाते हैं पानी के साथ, तो ज़्यादा नीचे से हमारी फसल खींच नहीं सकती है। तो हम यदि ऊपर से इस उर्वरक का स्प्रे करेंगे जैसा मैंने बताया आपका 0050 का, तो ये आपकी फसल को तुरंत लगेगा और अपना पूरा असर दिखाएगा, और बिल्कुल कम खर्चा है, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। और एक बार, केवल एक बार आप इसका प्रयोग करके देखेंगे तो अगले साल आप निश्चित रूप से
अपनी फसल में इसका प्रयोग जरूर करेंगे, क्योंकि आपको एक बार प्रयोग करने पे ही आपकी फसल की जो पैदावार है, जो दानों का भारीपन है, आप देख लीजिएगा। आप इसका तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं, आप दो चार क्यारी छोड़ भी सकते हैं या दो चार क्यारी में स्प्रे कर सकते हैं, और दोनों का कोई एक बराबर का पात्र लीजिएगा और फिर उनके दानों को तोल के देखिएगा, तो आपको निश्चित रूप से उसमें अंतर दिखाई देगा। मैंने भी स्प्रे किया है और मुझे भी निश्चित रूप से अंतर नज़र आया है, तो सोचा अपने किसान भाइयों के लिए एक छोटी सी जानकारी शेयर कर देता हूँ जिससे कि उनको लाभ हो। मैं किसी भी कंपनी का आपको रिकमेंडेड नहीं करता, आपको जिस कंपनी पे विश्वास हो उसी का ले लीजिएगा। बाजार में 100-150 रुपये से 200 रुपये तक में आ जाएगा, तो एक बार इसका प्रयोग करें और फायदा देखें, और उसके बाद ही चाहे तो इस वीडियो को अभी लाइक करें या बाद में करें, यदि आपको पसंद आए जानकारी तो। खैर इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो देखने के धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल भी अपने किसान भाइयों की सहायता करने के लिए बना रहे, और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस बात का फायदा हो। तो वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।